छोटा बच्चा है इतना उसमें सेंस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसके स्किन में परिवर्तन आया, बच्चे के व्यवहार में, बच्चे के मन में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा होता है, उसमें और बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। गर्म देशों में 12-13 साल की उम्र में और ठंडे मुल्कों में 16-17 साल की उम्र में लड़के लड़कियों में एक परिवर्तन होने लगता है। बच्चों में की आवाज में परिवर्तन होगा, आवाज भारी होगी और उसमें देखते हैं कि धीरे धीरे उसके बच्चों के बगल में बाल उगना शुरू होता है, उधर पर भी बाल आना शुरू होता है। इसका बायोलॉजिकल कारण क्या है कि लड़कों में टेस्टिस ग्लैंड और लड़कियों में ओवरी ग्लैंड का विकास शुरू हो जाता है। गर्म देश में करीब 13 साल में 12 के बाद और ठंडे मुल्क में 16 साल के बाद। अब देखना है कि ये परिवर्तन किस डायमेंशन को दिलाता है आदमी, और इससे क्या हमारा होता है और क्या हो सकता है। अगर ये दोनों ग्लैंड लड़के लड़कियों के जीवन में, इसमें ये ग्रंथियां श्राव करती है, सिक्रीशन होता है, और इस सिक्रीशन पर मनुष्य की अभिव्यक्ति निर्भर करती है। यों तो ये ग्रंथियां, प्रमुख ग्रंथियां टेस्टिस, ओवरी, थायराइड, पैराथायराइड, ये प्रधान ग्रंथियां हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन इसके अलावा पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड है जो हमारे मन को और आगे ले जाने में मदद करती है। तो टेस्टिस और ओवरी ग्लैंड का इतना बड़ा महत्व जीवन में है किशोरावस्था में, कि इस विषय को बच्चों से अधिक गार्जियन को समझने की आवश्यकता है, टीचर्स कम्युनिटी को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दोनों ग्लैंड का सिक्रेशन अगर नॉर्मल नहीं है तो बच्चा इरेशनल होगा, इनडिसिप्लिन होगा, एंटी सोशल होगा, जिम्मेवार नहीं होगा, गैर जिम्मेवार होगा। लेकिन अगर सिक्रेशन नॉर्मल है, बच्चा रिस्पॉन्सिबल होगा, बच्चा रैशनल होगा, बच्चा मेथोडिकल होगा, बच्चा जिम्मेवार होगा। लेकिन किसी कारण से ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ग्रंथियां हैं और इन ग्रंथियों के खुलने का, काम करने का तरीका भी विलक्षण है, मिस्टिकल है, क्योंकि मनुष्य का शरीर एक बायोलॉजिकल मशीन है, एक केमिकल फैक्ट्री है, जिसमें बहुत प्रकार के केमिकल्स पैदा होते हैं इस फैक्ट्री में, और जैसी फैक्ट्री है वैसा ही केमिकल पैदा होगा। टेस्टिस ओवरी का केमिकल का इफेक्ट दूसरा होगा, थायराइड पैराथायराइड का इफेक्ट दूसरा होगा, पिट्यूटरी का अन्य होगा, पीनियल का और अन्य होगा। इस प्रकार से किशोरावस्था में इन ग्रंथियों की जानकारी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही जीवन के विकास का समय है। बच्चा धीरे धीरे किशोरावस्था से नौजवानी को प्राप्त करता है, 24 साल की उम्र में उसकी पूरी ग्रंथियां खुल जाती हैं और 24 से 39 साल की उम्र तक पूरी खुली रहती है, 39 के बाद फिर धीरे 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 सिकुड़ने लगती है।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अनुभव होने लगता है 60 के बाद, इनका असर आदमी के ब्रेन पर होने लगता है। मन उस प्रकार से 60 के बाद काम नहीं करेगा जिस प्रकार से एक नौजवान आदमी का, एक किशोर का काम करेगा। तो इन ग्रंथियों को, ओबरी और टेस्टिस ग्लैंड को, हम बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा इसको स्वरूप देने में मदद कर सकते हैं। इसकी जानकारी ही है द साइंस ऑफ बायोसाइकोलॉजी। इसलिए एक एक बच्चे की स्टडी होनी चाहिए क्लास में, घरों में, कि बच्चे का क्या नेचर है, इसकी बायोलॉजी कैसी है, इसका बायोसाइकोलॉजिकल बिहेवियर कैसा है, और बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा उसका रूप दिया जा सकता है। क्योंकि इनको, इन ग्रंथियों को दवाई से नहीं, साइंस ऑफ इंट्यूशनल प्रैक्टिस से, ब्रह्म विज्ञान से, साइंटिफिक तरीके से इनको रेगुलेट करके हम जैसा चाहें वैसा सेक्रेशन करवा सकते हैं। क्योंकि ये वो विद्या है जिसको ऋषियों ने जंगल में रह के इसकी खोज की, अरण्य की विद्या, और वहाँ ये ऋषि पशु पक्षी जीव जंतुओं के साथ रहते थे, उनके बीच में विचरण करते हुए ये देखते थे कि किस पशु में किस जीव में क्या विशेषता, उसी को देख करके उन्होंने इसका आविष्कार किया और उसका नामकरण भी उन्हीं जीवों के ऊपर हुआ। इसको कहते हैं योगासन। आसनों के द्वारा, आसन एक ऐसा पोश्चर है जिसमें हम रह के अपनी ग्रंथियों के स्राव को, सिक्रेशन को बैलेंस करते हैं, हार्मोन सिक्रेशन को स्थिर करते हैं। इसलिए कहा गया है स्थिर सुखम आसनम, जिससे स्थिरता प्राप्त हो हमारे अस्तित्व में, उस पोश्चर का नाम है, उस स्थिति का नाम है आसन। तो योगी जानते थे, ऋषि जानते थे कि किस पोश्चर में कितनी देर तक रहने पर उसका सिक्रेशन बैलेंस्ड हो जाएगा, हम कितना सिक्रेट कराना चाहते हैं, नल को जितनी देर खोल कर रखेंगे हम जानते हैं कितना हमको पानी चाहिए, एक ग्लास पानी चाहिए तो उतनी ही देर तक नल को खोल कर रखेंगे, एक मग पानी चाहिए तो नल को उतनी ही देर तक खोल कर रखेंगे, एक बाल्टी पानी चाहिए तो उतनी देर तक नल को खोल कर रखना हुआ जितने में बाल्टी भरे। उसी प्रकार से जो किताबों में लिखा होता है कि ये फलाना आसन है, उससे काम नहीं चलेगा, देखना है कि किसकी ग्रंथि नॉर्मली कितने देर में सिक्रेट, कौन सी ग्रंथि करती है, वो उपयुक्त आसन उतनी ही देर तक सिखाना होगा करने के लिए। इसके अलावा आसनों का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आसनों के करने के पहले निर्देश अति आवश्यक है। इसलिए आज का यूथ बहुत खुशी की बात है कि आगे बढ़ने की उसके अंदर इच्छा है। इसका कारण ये हुआ है, जब ये ग्रंथियां खुलने लगती है तो इसमें एक प्रकार का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक सेंसेशन क्रिएट होता है, उसका प्रभाव मन पर यूं होता है कि जब टेस्टिस और ओवरी ग्लैंड फंक्शन करना शुरू करेगी तो बच्चे बच्चियों में ये भावना आती है कि हमें कुछ करना, हमको जिंदगी में कुछ करना, ये प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन बच्चे को अपने ही अंदर से, अपनी ही ग्रंथि से मिल रही है। लेकिन
चलते चलते आगे चल के कोई बच्चा या कोई बच्ची मेडिसिन पढ़ना चाहती है, उसको इंजीनियरिंग में आप डाल देंगे जबरदस्ती, क्योंकि बाप को और बड़े भाई को इंजीनियरिंग पसंद है, मेडिकल नहीं पसंद है, और बच्चे को उसमें डाल दिया, आवश्यक नहीं है कि उसमें उसको सफलता मिल जाए। इसलिए देखना होगा कि बच्चे की लॉन्गिंग क्या है, उसकी इच्छा क्या है, बच्चे के अंदर में शक्ति क्या है, उसको पूरा का पूरा ध्यान रख करके पूरी गाइडेंस देनी पड़ेगी। तब जाकर किशोरावस्था में हम बच्चे को पूरी मदद कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व को, यूथ को अगर इन दो ग्लैंड्स को मैनेज करने सिखा दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में कुंजी होगी कि हम कितना सिक्रेशन करा करके आदमी से क्या कराना चाहते हैं। क्रिमिनल्स, आतंकवादी मानसिक तैयारी करा करके धीरे धीरे ट्रेन करके आतंकवादी बना देते हैं। क्रिमिनल्स बच्चों को क्रिमिनल बना देते हैं। ये ब्रह्म विज्ञान ऐसा विज्ञान है कि इसमें आदमी को आदमी बनाकर विश्व मानव तैयार किया जा सकता है उसके इंटरनल सिस्टम को मैनेज करा करके। तो बायोसाइकोलॉजी का एक पक्ष केवल एड्रेनल ग्लैंड्स को नियंत्रित करके अपने यूथ को, एडोलसेंट्स को, किशोर किशोरियों को हम मदद करके कितना बड़ा परिवर्तन जीवन में और समाज में और देश में कर सकते हैं। इसके बाद हमारे विशुद्ध चक्र में, कंठ में दो ऐसी ग्रंथियां हैं, थायराइड और पैराथायराइड, जिसको संस्कृत में बृहस्पत ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथ, इन ग्रंथियों का भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर है। और इसका दो काम है, एक तो है कि इस कंठ से हमारे शरीर के जितने जाल हैं नर्वस सिस्टम यहाँ से पास होता है, इसलिए इसको जालंधर भी कहते हैं। और इसको जो कंट्रोल करने वाली नाड़ी है उसको बोलते हैं कुरुम नाड़ी। अगर इसको हम मैनेज करने सिखा दें बच्चों को, यूथ को, तो इसका कुरुम नाड़ी का दो काम है। एक तो कि इसके मैनेज करने पर आदमी की आवाज इफेक्टिव होगी, प्रभावशाली होगी, पॉइंटेड होगी, आदमी बोलेगा उसका प्रभाव पड़ेगा इसके कंट्रोल होने से। उसके लिए उपयुक्त आसन और इसके लिए अभ्यास है। इसको सिखाकर हम आदमी का कुरुम नाड़ी को भी कंट्रोल करा सकते हैं और उसका चमत्कारिक असर आदमी के जीवन पर होता है। इसके बाद हमारी आईब्रोज में, भ्रिकुटी के बीच में, त्रिकुटी में एक ऐसी ग्रंथि है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यहां से हमारा मन के द्वारा है, मन का केंद्र बिंदु है, क्योंकि विशुद्ध चक्र में जाकर के हमारे शारीरिक जो तत्व हैं, जो शरीर के निर्माण करने वाले हैं, ये यहाँ तक इनका दायरा खत्म हो जाता है। और अज्ञा चक्र में
हमारे मन का कंट्रोलिंग बिंदु है, और इसको जो कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है उसको बोलते हैं पिच्यूटरी ग्लैंड।